नारियल से। पानी की जांच कब करें, किस समय करें, यह बहुत मायने रखता है। दूसरी ओर यह भी प्रश्न उठता है कि नारियल से, कच्चा नारियल से पानी की जांच कब ना करें और किस समय ना करें। ये दो क्वेश्चन हैं, हमेशा मायने रखता है। मैं तो कई बार देखा हूँ नारियल से पानी जांच करने वाले किसी भी समय पानी जांच करने भिड़ जाते हैं, किसी भी समय उसको नारियल हलचल करना शुरू कर देती उनके हाथों में। मैं भी तो पानी जांच करता हूँ नारियल से, मेरा तो लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे साथ तो हर समय ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे साथी पानी जांच करने वालों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मायने रखता है ना, प्रश्न खड़े होता है। कई साथी मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सोनी सर, सॉरी भाई, किस समय करें किस समय ना करें। कुछ साथियों से बात होती है तो बोलते हैं हम तो सर किसी भी समय कर लेते हैं, हमको तो पैसा से मतलब, बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो भाई मैं आज आपको बताऊंगा किस समय करना चाहिए। नारियल से पानी जांच करने का सबसे सटीक समय, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है और किस समय हमें नहीं करना चाहिए, ये भी बताऊंगा। क्योंकि परिणाम सब कभी सही नहीं आती, उस समय हमेशा आगे पीछे आती है परिणाम अगर गलत समय में करोगे तो। नारियल से पानी जांच कब करें, अब देखिए एक विज्ञापन चला था, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सच्चाई बताने के लिए आपको कुछ याद दिला रहा हूँ। कुछ समय पहले दूरदर्शन में एक विज्ञापन आती थी जिसमें दोपहर के समय एक बच्चे ग्लूकोन डी मांगते थे, एकदम खेलते खेलते थक जाता था तो उनके ऊपर सूर्य को दिखाते थे, सूर्य को दिखाते तो सूर्य क्या है ना उसकी एनर्जी को खींच लेता था अपने तरफ, खींच लेता था, तो उनको ग्लूकोन डी की आवश्यकता पड़ती थी। बस सेम कंडीशन यही नारियल के साथ भी होता है। जब हम दोपहर के समय पानी जांच करेंगे तो ये नारियल अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। अगर हमारे सिर के ऊपर सूर्य है तो इसका सार्थक परिणाम नहीं आएगा, ये बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका लंबा तजुर्बा है। ये नारियल खड़ी तभी होती है जब सूर्य हमसे कोसों दूर होती है। दूर कब होती है हमसे, जैसे कि सूर्योदय के समय जब हम खड़े हैं, जैसे कि इस समय हम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के देवरी गांव के बॉर्डर में खड़े हुए हैं जो कि भखारौ तहसील के अंदर आता है। यहाँ खड़े हैं तो सुबह के समय सूर्य हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसलिए प्रकाश एकदम गोल्डन की तरह आती है, पीली आती है। और जैसे जैसे 10 11 12 बजेगा तो यहाँ पर की पोजीशन बता रहा हूँ, कल यहाँ मैंने केयर किया तो 12 साढ़े 12 के आसपास सूर्य जो है अपनी सीधी होती है, सीधी पोजीशन सिर के ऊपर होती है। और उस समय काम नहीं किया मेरा नारियल, मैंने कल भी इसमें प्रैक्टिकल किया, इस एरिया में किया, काम करता है कि नहीं करता है, तो ये नारियल काम नहीं किया। मैं इसी नारियल से लेके चला, एक बार तो ऐसा हो गया, किसी बार ऐसे हो गया, किसी बार ऐसे भी होना शुरू हो गया। फिर मैं शाम के समय किया, पोजीशन फिर चेंज हो गई, डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। फिर मैं यहाँ सुबह एकदम सुबह से फिर चेक किया तो पोजीशन फिर अलग आ गई, तीन बार अलग अलग पोजीशन आई, लेकिन लगभग 90-95% सेम टू सेम पोजीशन सुबह और शाम की थी, 90-95%, 100% नहीं। लेकिन दोपहर की समय एकदम चेंज हो गई, एकदम उत्तर दक्षिण वाली पोजीशन आ गई, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर वाली पोजीशन आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो मैच करने लायक नहीं था। अगर 85-90% के बीच का अगर रिजल्ट आता दोपहर में चलो ठीक है बोलते, लेकिन नहीं आई। कारण ये है, हमें पानी जांच करना, पानी की धार हमें तभी पता चलेगा जब हमसे सूर्य दूर होगी, तब पता चलेगा। अगर सूर्य नज़दीक है ना तो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा, जैसे कि अभी हम सुबह के समय हैं, जहाँ पर जा रहे हैं पानी एकदम ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगी, ये पानी पता चल रही है, कहाँ पर पानी है ऑटोमेटिक ये खड़ा हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। लेकिन यही इसी जगह में अगर दोपहर को चेक करूँ तो नारियल खड़ा नहीं होगा, क्यों, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति मेरे ऊपर काम करना शुरू कर देगी। अभी मेरे पास मैं नीचे का पोजीशन को
डायरेक्ट कर रहा हूँ। नीचे के पोजीशन को भाप में आसानी से ले रहा हूँ, क्यों? सूर्य दूर है, अगर नज़दीक आ जाएगी तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। कहने का तात्पर्य यही है, पृथ्वी अपनी गति से जैसा गतिशील है वैसी गतिशील है, सूर्य भी गतिशील है, लेकिन इसकी गति में परिवर्तन आ जाती है। जब सूर्य जैसे जैसे नज़दीक आती है, यहाँ पृथ्वी है, उसकी गति में भी परिवर्तन आती है। गति में परिवर्तन आने से इसका प्रभाव जो है ऊपर की हो जाती है, जैसे कि ग्रहण लगा रहता है ना, उस समय प्रभाव अलग अलग हो जाती है, दिशा दूरी के हिसाब से होती है। पृथ्वी तो घूम ही रही, लेकिन इसकी गति में भी परिवर्तन आती है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हमें अभी सुबह पता चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति अभी नारियल की नीचे की ओर जा रही है। जब ये नारियल ऐसी है नीचे की ओर चली जाएगी, मतलब नारियल ऐसा होता है, ऐसे रखे हैं हम, फैला हुआ है नारियल का पानी, जब ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे पानी अपनी तरफ खींचती है, अभी क्या है सूर्य दूर है, गर्मी कम है, इसलिए नारियल की पानी को अपनी तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, तभी खड़ी होती है। जब ये ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देगा ना, तो ये डायरेक्शन जैसा है वैसे ही रहेगा, या इसमें कोई अनचाहा परिवर्तन आ जाएगा। अभी एकदम सिचुएटेड परिवर्तन आएगा, जैसे पानी है वैसी बताएगा, एकदम डायरेक्ट बताएगा। तो भाई हमें पानी हमेशा सुबह के समय ही जांच करना है, नारियल से पानी किसी भी समय कर ले ऐसा नहीं है। सबसे सही परिणाम, सटीक परिणाम जाने के लिए सुबह से, चाहे सुबह जितना सुबह हो सके, सूर्योदय के समय चाहे 5:30 बजे हो, 6 बजे हो, आप 10:30-11 बजे तक जांच कर सकते हैं, एकदम सटीक परिणाम आएगा। और उसके बाद अगर करेंगे ना तो रिजल्ट अब परिवर्तन आ जाएगा। मान के चले कि आप 11 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक आप पानी जांच मत करिए, नारियल से सेटिस्फाइड ही हो जाएंगे। क्योंकि 11 बजे अगर 90 से 95 आ रहा है परिणाम, तो 12 बजे डिफरेंस आएगा, फिर 1 बजे फिर डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आते चलता है इसमें। तो नारियल से जांच हमेशा सुबह के समय से करिए, या फिर जैसा कि 4, 5, 6 बजे तक शाम को फिर कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उस समय हमसे फिर दूर चली जाती है, तो उस समय भी परिणाम लगभग मिलता जुलता ही आएगा। तो आप सुबह के समय करिए या शाम को समय करिए। लेकिन पानी जांच करने वाले भाई लोग क्या करते हैं, किसी भी उसको पैसे से मतलब होता है, कहीं भी चले गए बता दिए नहीं होगा तो ऐसा ऐसा क्या, उनका स्टाइल रहता है, वो करते रहते हैं, देखो कैसा हिल हो रहा मारा, मेरे से ऐसा नहीं होता भाई, फर्जी काम, तो मेरे को उसका उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं स्टाइल मारने का, क्योंकि मेरा काम रीजनल रहता है, अगले कदम में पानी रहेगा तो बता देगा, यहाँ पर नहीं है तो नहीं है, ड्राई है, देखो यहाँ पर, एक कदम में बता देता है। तो ये मेरा अनुभव है। तो भाई इस वीडियो को संक्षिप्त में बना रहा हूँ, इसका कारण यही है कि गलत समय में आप पानी जांच मत करिए। और किसान भाई, आप लोग जब किसी भी व्यक्ति को नारियल से पानी जांच करवाने बुलाते हो ना, तो सुबह के समय बुलाओ, इनके हिसाब से मत चलो, पानी जांच करने वाले के हिसाब, अपने हिसाब से उनको चलाना सीखो। सुबह बुलाओ, जितना सुबह हो सके, आपके घर में एक रात बुला कर रोक दो भले उसको, फिर बोलो शाम करवाओ, सुबह सुबह, या फिर आप उसको शाम के समय करवाओ, तो रिजल्ट आपका बहुत सार्थक आएगा। तो इस वीडियो को कहने का तात्पर्य यही है, पृथ्वी अपनी गति से गतिशील ही है, लेकिन ये पानी सुबह के समय अपनी तरफ खींचती, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत दूर है, तो प्रभाव सुबह के समय पृथ्वी की जो नीचे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसका पड़ता है, और सूर्य हमारे ऊपर होता है तो ये प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। मतलब पानी सुबह के समय नीचे की तरफ बैलेंस बनाएगी, इस तरह से बैलेंस बनाएगी, और ऊपर के समय ऐसा है, सूर्य जब ऊपर होगी तो ऐसा ही हो जाएगा, ऊपर ये अपनी तरफ इस तरह से खींचती जाएगी, मतलब ये खड़ा होगा, ऐसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, खड़ा भी नहीं होगा ये अपनी गति ये नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो उसी सिचुएशन में जिस पोजिशन में हम नारियल को रखेंगे लगभग लगभग उसी पोजिशन में ऊपर खींचेगी, वो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो हमसे दूर है, ज़्यादा प्रभावी रहता है। सुबह के समय सूर्य की पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है नीचे को ज़्यादा हावी होती है, इसको भूगर्भ शास्त्री लोग अच्छी तरह से जानेंगे। इसका प्रभाव, नारियल का प्रभाव, पानी का प्रभाव नीचे की तरफ सुबह के समय रहता है, लेकिन इसी का प्रभाव ऊपर होता है, क्योंकि आप देखेंगे सुबह के समय वाष्पीकरण नीचे जमीन की ओर होती है और दोपहर के बाद ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ये दोनों अंतर है। तो नारियल का से पानी जाँच आप सुबह के समय ही करिए और शाम के समय मत करिए, सुबह के समय करिए, शाम के समय करिए, लेकिन दोपहर के समय मत करिए। दोपहर के समय जांच करवाओगे तो धोखा ही खाओगे, पैसा तो कमा जाएगा लेकिन आपका बहुत सक्सेस नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप शाम के समय कराओगे या सुबह के समय कराओगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप सबका नारी, तो मेरा भाई कहने का यही है कि सुबह अच्छा परिणाम आता है,
मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे सुबह ही का समय अच्छा लगता है, शाम का समय भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या सुबह मेरी अब आदत बन गई है पानी जांच करके। देखो अगले कदम में, इस कदम में फिर ड्राई है ये, फिर ये अगले कदम देख लो, ये एक ही कदम के फासला में मैं खड़ा हूँ, ये ड्राई है पूरा, देखो ये। लेकिन मैं इसी पोजिशन में अगर दोपहर में खड़ा हो जाऊँ तो मुझे नहीं बताएगा, ये परिणाम नहीं आएगी। और सुबह के समय एकदम सटीक परिणाम आता है, देख लो ये फिर हटा दिया, ये फिर ये सुबह का समय, अभी मुश्किल से सुबह का 7:30-8 बजा होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो भाई आप लोग सुबह के समय ही पानी जांच करवाइए, और किसान भाई लोग छोटे छोटे बातों को एकदम गंभीरता से लिया करो, क्योंकि तो हम किसान क्या है ना, सदाबहार है, हर परिस्थिति में ओके ही रहते हैं। सामने वाला जैसा बोल दिया हम मान ही लेते हैं, लेकिन हम नुकसान भी हम ही ज़्यादा झेलते हैं, सामने वाले का कुछ नुकसान नहीं होता, कंप्रेसर मशीन वाले का नुकसान नहीं होगा, जांच करने वाले का नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो किसान के जेब का ही होता है। इसलिए भाई सुबह के समय ही चयन करो, सुबह जितना सुबह हो सके, सुबह से लेके मतलब 5:30-6 बजे से लेके आप 10 बजे तक जाँच का काम कम्प्लीट करवा लो, और बाद में कोई जाँच करने वाला है ना तो मत करवा, कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप 4-5 बजे शाम को ले जाओ, दोपहर में बिल्कुल ही नहीं करवाना है, रिजल्ट नहीं आता। इसी तरह से एक बात और बता रहा हूँ, जब कोई ग्रहण लगी होती है, जैसे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तरह तरह की होती है, चाहे अर्ध ग्रहण हो, उस समय भी आप लोग ना करें, उस समय को अवॉइड कर दीजिए। जब फ्रेश कंडीशन में हो, पृथ्वी अपनी जगह पे हो, चंद्रमा अपनी जगह हो, सूर्य अपनी जगह, उसी पोजिशन में करवाइए, नहीं तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वहाँ रिजल्ट सही नहीं आता। तो भाई अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, जैसा मेरे पास और कोई जानकारी रहेगा उसको अगली वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सौरी भाई को इजाज़त दीजिए, सौरी भाई का मोबाइल नंबर है 7000716599। मेरी वीडियो के नीचे में लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको भाई आप लोग दबा दीजिए, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।